जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मनरुज होए न नाश ते अधिक अधिक देशील। जो व्यक्ति पद की कीमत पहचान कर कल्याण मार्ग सत्संग सेवा भक्ति साधना का महत्व जानकर भूलवश उनका तिरस्कार करता है, से दूर दूर रहता है, उसके मानसिक रोग दूर नहीं हो सकते, बल्कि आगे आगे उस व्यक्ति को और अधिक अधिक मानसिक रोग पीड़ा पहुंचाते रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवा भक्ति सत्संग साधना ध्यान चिंतन का महत्व जानते ही नहीं है। समय निकालकर संतों के पास बैठना चाहिए, ज्ञान विवेक विचार की बात सुनना चाहिए, ध्यान चिंतन सत्संग साधना का काम करना चाहिए, कभी सोचते ही नहीं है। बस कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दुनियादारी का व्यवहार करते हैं, यही उनके लिए सब कुछ है। शरीर से अलग जीव की सत्ता का कभी उन्हें ख्याल नहीं होता। आवागमन बंध मोक्ष के बारे में कभी वे सोचते ही नहीं है, जानते भी नहीं है। तो ऐसे लोग यदि सत्संग भक्ति सेवा साधना से दूर रहें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे उनका महत्व नहीं जानते, उनकी विशेषता उनकी आवश्यकता ही नहीं जानते, तो उन्हें दोष कैसे दें? दोष तो उनका है जो सत्संग सेवा भक्ति साधना का महत्व जानते समझते हैं, लेकिन फिर भी इनसे दूर दूर रहते हैं। अपने स्वरूप का बोध है, स्वरूप की भूल और विषयाशक्ति के कारण सारी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, सारा भटकाव है, दुख दर्द और बंधन है, यह बात समझते हैं, लेकिन समझ करके भी विषयाशक्ति का त्याग नहीं कर पाते। और जहां से विषयाशक्ति को त्यागने की कल्याण की प्रेरणा मिलेगी, सहायता मिलेगी, उनकी सामग्री मिलेगी, उस सत्संग से दूर दूर रहते हैं, तो उनका सुधार कैसे हो सकता है? ऐसा भी देखा जाता है जो व्यक्ति कभी संतों के पास नहीं बैठते, भक्ति सत्संग कल्याण का महत्व जानता ही नहीं है, इनकी भी आवश्यकता है, कभी इसका बोध उसे होता ही नहीं। ऐसे लोगों में से अनेकों को जब कभी
अचानक संतों का साहचर्य मिला, संगत मिली, उनका ज्ञान सुनने को मिला, तब वे जग गए और फिर संतों की संगत सत्संग साधना में लग करके अपना सुधार कर लिए। कभी जानते नहीं थे, लेकिन जब अचानक संतों की संगत मिली और भक्ति साधना का महत्व समझ में आया तो उसमें लग गए, अपना सुधार कर लिए। लेकिन जो लोग भक्ति सत्संग साधना का महत्व जानते हैं, समझते हैं और समझ करके उनका तिरस्कार करते हैं, श्री विताल साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मानसिक रोग दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मानसिक रोग दूर करने के साधन का उन्हें ज्ञान है, लेकिन फिर भी उनसे दूर है, उनका तिरस्कार करते हैं, तो उनके मानसिक रोग दूर कैसे होंगे, बल्कि उनके मानसिक रोग ऐसे व्यक्तियों को अधिक अधिक पीड़ित करते रहेंगे। सत्संग साधना का महत्व जानकर उनकी अवहेलना करने वाले लोगों का सुधरना कठिन है, क्योंकि उन्हें कुछ बताओ तो कहेंगे हाँ हम सब जानते हैं, हमें सब मालूम है, तो सुधार कैसे होगा? मालूम है लेकिन तिरस्कार कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनका सुधार होगा कैसे? ईशावासव निषद में ये बात आती है, अंधम तमा प्रविशंति ये विद्या मुपाशति ततो ई भूय य उ विद्यायाम रता। जो लोग अविद्या की उपासना में लगे हुए हैं, क्या अविद्या ग्रसित हैं, ऐसे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं, उनका पूरा जीवन अंधकारमय है, अनेक प्रकार के दुराचरणों से वे घिरे रहते हैं। लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वे तो उससे और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थ है कि जो जान बुझ करके गलत काम करते हैं, जो जानते ही नहीं है क्या सही क्या गलत, अब यदि गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें दुख तो होगा, लेकिन समय से ऐसे लोग जग सकते हैं। जो जानते बूझते हैं कि क्या सही है क्या गलत और फिर भी सही को छोड़कर गलत की तरफ जा रहे हैं, तो उनके सुधार का कौन सा उपाय है? इसलिए सतगुरु कबीर ने भी कहा है कि जानी बुझ जो कपट करत हो तेही अत मंद न कोई, कहीं कबीर तेही मूढ़ को भला कौन विधि हुई। जो जानबूझ करके कपट करता है, जानबूझ करके गलत रास्ते पर जा रहा है, उसके समान मंद बुद्धि का अज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। साहब कहते हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि भला होने का जो उपाय है उसे स्वयं छोड़ दिया और जहां से दुख मिलता उस रास्ते पर जा रहा है। यह बात यहां साहब कहते हैं, जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मनरुज होए न नाशते ही अधिक अधिक देशूल। जो व्यक्ति भक्ति सेवा सत्संग साधना कल्याण का महत्व जानता समझता है, फिर भी उनका तिरस्कार करता है,
ऐसे लोगों के मानसिक रोग कभी दूर नहीं हो सकते, बल्कि उनके मानसिक रोग उन्हें उत्तरोत्तर अधिक से अधिक पीड़ित ही करते रहेंगे। इसलिए सत्संग भक्ति सेवा साधना का जब महत्व समझ में आ गया, तब उनके लिए ही अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। प्रमाद में पढ़कर अपने अनमोल समय को बर्बाद न करें, उल्टे रास्ते पर न जाए। यही तो सच्चे मीत से सच्ची करिए प्रीत, और न साथी है यहाँ कहर सिंधु जगतीत। इसलिए जो सच्चे मित्र हैं, विवेकी संत सदगुरु, उनसे सच्ची मित्रता करो, सच्चा प्रेम करो, उनको छोड़कर इस संसार में दुखों को दूर करने वाले और कोई नहीं है। संत और सदगुरु को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख के समुद्र के पानी से पार हो चुका हो। हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक, प्रेरक, शिक्षक की आवश्यकता होती है। तब कल्याण मार्ग में गुरु की कितनी आवश्यकता हो, यह सह समझा जा सकता है। यदि कल्याण प्रिय है, दुख की निवृत्ति प्रिय है, तब ऐसे महापुरुष, ऐसे संत सदगुरु के आश्रय में रहना होगा, उनकी उपासना सेवा भक्ति करनी होगी, जो दुखों से मुक्त हो और अपना कल्याण कर चुके हों। सदगुरु कबीर ने भी कहा, इसलिए संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा होई। ऐसे संत और महंतों की सेवा पूजा करो, उपासना करो, जो काल की फांसी से बचे हुए हैं। जो स्वयं काल की फांसी से बचे हुए हैं, वे हमें भी काल की फांसी से बचा सकते हैं, उस फांसी से बचने का रास्ता बता सकते हैं। अब जब हम काल की फांसी में, अज्ञान में, अविद्या से ग्रसित हैं, वे क्या अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों का कल्याण करेंगे? बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय? बंधे को बंधा व्यक्ति मिल जाएगा तो कौन किसको छुड़ाएगा? इसलिए कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो निर्बंध है, दुखों से मुक्त, जिन्होंने अपने बंधनों को काट लिया है, उनकी सेवा उपासना करें तो पल मात्र में वे हमारे बंधन को, दुखों को काटकर हमें भी मुक्ति का रास्ता बता देंगे। दुख का कारण मन के विकार, दोष, और जो अपने दोषों से मुक्त है, जिन्होंने दोषों का, विकारों का त्याग कर दिया, वह दुखों से मुक्त हो गया और वह भवसागर से पार हो गया। उन्हें संत कहो, गुरु कहो, या अन्य शब्दों में कहना चाहो तो कह तो कह लो। सद्गुरु कबीर ने तो कहा कि ऐसे ही तो लोग भगवान हैं। कर विचार विकार परिहरि तरन तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजुनर द्वितीया और न कोए। विचार पूर्वक जिन्होंने अपने विकारों का त्याग कर दिया, वे तरण हो गए, भवसागर से पार हो गए। और ऐसे निर्विकार महापुरुष ही
औरों के लिए तारण होते हैं, उन्हें भी भवसागर से पार करने वाले होते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोग ही भगवान हैं। कई कई भगवंत भजन ऐसे मनुष्य, ऐसे जो निर्विकार निर्मल संत हैं, उनको ही भगवान समझकर उनकी उपासना करो। तृतीया और न कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। नानक साहब का दोहा याद आता है, सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। जे प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कह नानक आपन तरे औरन लेत उधार। जिन्होंने लोभ मोह ममता अहंकार का त्याग कर दिया, नानक साहब कहते हैं वे दुनिया से तर गए और वे ही औरों को तारने वाले होते हैं। जिनके मन में सुख दुख का स्पर्श नहीं होता, जो सुख दुख हानि लाभ हर शोक में सम रहते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, कहीं लोभ नहीं कहीं मोह नहीं, नानक साहब कहते हैं ऐसे संत ही प्रत्यक्ष भगवान हैं, और उनकी उपासना करके हम भी उनके समान हो सकते हैं। यहां तो श्री विशाल साहब कहते हैं कि यही सच्चे मीत से, ऐसे जो संत हैं वे हमारे सच्चे मित्र हैं, और बाहर के मित्र तो बाहर बाहर के हैं, वे दुखों से रास्ता होने का कोई उपाय न जानते हैं और न दूसरों को बता सकते हैं। साधक के लिए सच्चा मित्र कौन? निर्मल निर्विकार जीवन संत और सदगुरु, उनके अलावा उनका कोई और मित्र नहीं है। तो ऐसे जो मित्र हैं उनसे सच्ची करिए प्रीत, सच्ची मित्रता करनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, मानु मित मितयो न छोड़े कमो गांठ न खोले हो। मान्यवर मित्र सदगुरु संत, उनसे अपनी मित्रता न छोड़े और मित्रता की गांठ को कभी न खोले। उनसे ही सब प्रकार से मित्रता करे तो भवसागर से पार होना सरल हो जाएगा। और न साथी है यहां, ऐसे संत और सदगुरु को छोड़कर इस भवसागर में कोई दूसरा साथी नहीं है, कोई दूसरा मित्र नहीं है जो हमें दुखों से मुक्त कर सके, दुखों से मुक्त होने का रास्ता बता सके। कहर सिंधु जल तीत, और जो कहर सिंध दुख के समुद्र से जो पार हो चुका हो वो कौन है? और दुख का कारण दोष, और जो दोषों से ऊपर उठ गया निर्दोष हो गया वो दुखों से मुक्त हो गया। तो दुनिया में देखते हैं सब तो दोषों में डूबे हुए हैं, कोई कोई बोध वैराग्यवान संत ही निर्दोष निर्विकार हैं, वे दुखों से मुक्त हैं और वे हमें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वे ही सच्चे मित्र हैं और उनसे ही सच्ची मित्रता करनी चाहिए ताकि हम भी दुखों से मुक्त हो सकें। प्रसंग तीन, वैराग्य लक्षण। पंच विषय जग राग तज, अपन परार विचार, शिथिल करे अध्यास को, देह मोह को जार। सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं कि मोक्ष साधक को चाहिए कि वह पांचों विषय और संसार के राग का त्याग कर दे, आसक्ति को छोड़ दे,
अपना और पराया मानना भूल जाए। अनादिकाल का जो अध्यास मुंह अंतःकरण में जमे हुए हैं, उनको साधना वैराग्य द्वारा शिथिल करे, कमजोर करे, मिटा दे। देह मोह को जार और अपने देह के मोह को जला दे। संसार क्या है? पांच विषय ही संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। इनके प्रति हमारे मन में जो आसक्ति होती है, यही हमारे लिए संसार बनाती है, आसक्ति यही हमें बांधती है। और कहां कोई बांध रहा है? ये बाहर जो दिखाई पड़ रही है दुनिया, ये थोड़े बांधती है, ये भटकने का कारण थोड़े बनती है। किंतु दुनिया के जो पांच विषय हैं, अब पांच विषय में सब कुछ आ जाता है, इनके प्रति जो राग है, सुख बुद्धि है, आसक्ति है, ये सुख बुद्धि और आसक्ति ही बांधती है। इसलिए ये कहना चाहिए कि ये पांच विषय ही दुनिया है, यही संसार, यही हमें भटकाती है। यदि हम दुखों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं तो पहला काम यह करें कि पांचों विषयों की जो आसक्ति है, पांच विषयों से जो सुख पाने की भावना है, इसका पूरी तरह से अंत कर दें। जब तक जीवन है तब तक शरीर निर्वाह के लिए इन पांचों विषयों का उपभोग करना पड़ेगा, लेकिन उपयोग करना अलग है, आसक्ति बना लेना अलग है। हम आसक्ति बना लेते हैं, जहां थोड़ी सी अनुकूलता मिली, इंद्रियों के विषय थोड़ा प्रिय लगे, बस वहां राग कर लिए, आसक्ति बना ली। अब वो आसक्ति हर समय खटकती रहती है, अधिक अधिक तृष्णा उत्पन्न करती रहती है और हम भोगों मूलते चले जाते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए उदासीनता पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक जो आवश्यक और सात्विक है उनका उपयोग करें, लेकिन इंद्रियों को तेजना के वशीभूत होकर इन पांचों विषयों को ग्रहण न करें, नहीं तो इनकी आसक्ति बनेगी और ये हमें भटकाएगी। तो पहली बात इसमें कहते हैं कि पांच विषय जग राग तज, पांचों विषयों की आसक्ति का त्याग करें। अपन परार विसार, अपना और पराया मानना भूल जाए। लेकिन जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ अपना पराया मानना पड़ता है, अपना पराया मान करके ही व्यवहार होता है, अपना आसन, अपना बिस्तर, अपना लोटा, अपने खड़ाओ, अपना कपड़ा, ये सब तो कुछ न कुछ मानना पड़ता है और मान करके उपयोग करना पड़ता है। तो व्यवहार के लिए अपना पराया मानना एक मजबूरी है, लेकिन शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपना पराया कौन है? न कोई अपना न कोई पराया, सभी प्राणी चेतन है। तो चेतन दृष्टि से सब हमारे सजाती हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं। चेतन चेतन जितने चेतन है सबका एक ही परिवार तो हुआ, एक ही जाति तो हुई, तो उसमें पराया कौन है? लेकिन कौन चेतन हमारे स्वरूप में मिल जाएगा?
स्वरूप भाव से तो हर चेतन अलग अलग है, तो हमारा है कौन फिर? अर्थ है कि अपना पराया मानकर राग द्वेष में न उलझे। कहीं अपना माने तो राग बनेगा, पराया माने द्वेष बनेगा, अहंता ममता बनेगी, और फिर राग द्वेष अहंता ममता ये सब दुख का कारण और भटकने का कारण बनेंगे और ये सब ही रुलाएंगे। इसलिए दृढ़ता पूर्वक अपना पराया न माने, भूल जाए सब अपने सब प्रिय हैं और कोई अपना नहीं है, इसलिए किसी के प्रति राग नहीं, किसी के लिए ममता नहीं, सहज जो जैसा उचित व्यवहार है वैसा व्यवहार बरत ले। बस व्यवहार बरतने के लिए अपना पराया है, बाकी मूल रूप में कोई अपना पराया नहीं है। शिथिल करे अध्यात को देह मोह के जा, मोह जा अपने देह के मोह को जला दे। हमारा मुख्य बंधन क्या है, या कहना चाहिए दुख का मूल कारण क्या है, कहां से दुख उत्पन्न होता है? एक ही कारण है मूल कारण, सबकी जड़ देह के प्रति मोह होना। मैं देह हूं, जब ये बुद्धि होती है तब सारा पाप यहीं से खड़ा होता है। इसलिए संतों ने कहा भी है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह बुद्धि रख करके ही विषयों के प्रति आसक्ति होती है, देह बुद्धि होने पर ही युवक का युवती के प्रति, युवती का युवक के प्रति आकर्षण होता है, एक दोनों के प्रति राग बनता है, आसक्ति बनती है, और देहाशक्ति मिट गई, देहाभिमान मिट गया, तब मानो बंधन की जड़ कट गई। तो देह मोह को जार, देह के मोह को जला दें। जितना जितना हम शरीर की वास्तविकता पर विचार करते जाएंगे उतना उतना इसका मोह घटता और मिटता चला जाएगा। हम शरीर के बाहरी रूप सौंदर्य, शरीर के गठन हाथ पैर को देखकर इसमें मोहित होते हैं, लेकिन ये रूप सौंदर्य कब तक रहने वाले? शरीर की ये सुंदर गठन है, बनावट है, कब तक ऐसे रहेंगे? अंत में इसे जर्जर होना है, कमजोर होना है, गलना है और मिटना है। और ये है क्या, जड़ तत्वों से निर्मित निर्जीव, मल मूत्र का पिटारा, हड्डी मांस चाम अपवित्र वस्तुओं का पिटारा, इस दृष्टि से विचार करें तो फिर इस शरीर में मोह करने लायक क्या है? चाम, हड्डी, मांस, रक्त, मल मूत्र, इनमें से कौन चीज पवित्र है? अब यही सबका पिटारा ही है। इस ढंग से विचार करें तो इसका मोह घटता जाएगा और मिटता जाएगा। तो जब शरीर का मोह घट जाएगा और मिट जाएगा, तब अनादिकाल का जो अभ्यास मनोवासनाएं जो टिकी हुई हैं, ये शक्तिहत हो जाएंगे, ये भी मिट जाएंगे। जब तक शरीर का मोह नहीं मिटेगा तब तक वासना नहीं मिटेगी। जरा अध्यास सुखाध्यास जो अंतःकरण में जमे हुए हैं, अध्यास नहीं मिटेगा और तब तक दुख से छुटकारा भी नहीं होगा। अनादिकालीन अविद्या को, विषयाशक्ति को मिटाना है, या जरा ध्यास जो टिका हुआ उसको मिटाना है, तो अपने देह के मोह को मिटाना पड़ेगा, देह के मोह को समाप्त करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा।
तभी हम अपने बंधनों को काटने में समर्थ हो सकते हैं। समय न खोवे आपनी, मुख्य काज को ढील, निज पर मन के फंद बहु, पचे न तिन में मील। अपने मुख्य काम को ढीला करके जो अनमोल समय मिला हुआ है उसको व्यर्थ नष्ट न करें। अपने तथा दूसरे के मन के बहुत सारे फंदे हैं, उनमें पड़कर पछता ना रहे, पीड़ित ना होता रहे। ग्रंथकार सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं कि अपने मुख्य काम को ढीला ना करें। हर व्यक्ति का अपना एक मुख्य काम होता है। व्यापारी का मुख्य काम क्या है? व्यापार करना, सामान खरीदना और बेचना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना, तब उसके व्यापार में वृद्धि होगी। वकील का मुख्य काम है वकालत का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, मुकदमे के दांव पेच कानून की धाराओं को अच्छी तरह से मनन करना और याद बन रखना, तभी उसका मुकदमा, तभी उसकी वकालत चलेगी। डॉक्टर का मुख्य काम है रोग के उत्पत्ति और निदान को जानना, दवाइयों के बारे में जानना, तभी उसकी डॉक्टरी चलेगी। किसान का मुख्य काम है खेती करना, खेती में किस समय बीज बोना है, किस समय निदाई करना, कितना खाद डालना, कितना पानी डालना, किस समय काटना, इसका ज्ञान जब नहीं है तो किसानी क्या करेगा। हर व्यक्ति का अपना अलग, जो जिस क्षेत्र में है उसका सबका अपना अलग अलग काम है, और वो मुख्य काम वही है। किसान का मुख्य काम किसानी करना। अब किसानी का समय आया, अब मेहमानी कर रहा है, यहां वहां घूम रहा है। डॉक्टर डॉक्टरी का काम करना चाहता है और लोगों के साथ बैठ करके गपबाजी करता है, राजनीति में दौड़ता है या अन्य करता है, तो डॉक्टरी चलेगी कैसे? जो जिस मार्ग में है, जिसका जो मुख्य काम है, उसी को ही प्रधानता दे, सब समय उसका ही ख्याल रखे, उसी पर ही अधिक से अधिक समय उसी में लगाए, तब उसमें वो सफलता मिलेगी। और अपना जो मुख्य काम है उसमें समय न दे, उसके लिए बहुत कम समय दे, उसे लापरवाह हो जाए और बातों में लगा रहे, तो उसके मुख्य काम उन्नति कैसे होगी। यहां बात साधना की है, साधकों के लिए है। तो जो मोक्ष साधक है उसका मुख्य काम क्या है? उसका मुख्य काम है अपने आप को सारे दुखों और बंधनों से छुड़ा लेना। उसका मुख्य काम है वैराग्य साधना को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना, उसी में डूबे रहना। साहब कहते हैं कि समय न खोवे आपने मुख्य काज को ढील। अपना जो मुख्य काम है वैराग्य की साधना, दुख की निवृत्ति, इसको ढीला ना करें, इससे गाफिल ना हो, और अपने इस मुख्य काम को ढीला करके अनमोल समय जो मिला हुआ साधना का उसको खोए ना। प्रपंच में समय बिता रहा है, हंसी मजाक में समय बिता रहा है, साधना का समय है सोया हुआ है या यहां वहां घूम रहा है, तो मुख्य काम साधना का काम बनेगा कैसे?
दुख निवृत्ति का काम कैसे बनेगा। तो अपना अधिक से अधिक समय सेवा भक्ति स्वाध्याय साधना में लगा, यही मुख्य काम है। इसी से दुख की निवृत्ति होगी, इसी से उद्देश्य की प्राप्ति होगी, इसको भूले ना। तथागत बुद्ध ने एक गाथा में कहा है, झाये भिक्खु माचा पमादो माते काम गुने भमसु चित्तम। ए भिक्षु प्रमाद मत करो, काम गुणों में काम संकल्पों में अपने चित्त को भटकाओ मत। किंतु ये काम का स्मरण और प्रमाद दोनों छोड़ करके ध्यान करो, साधना करो, यही तुम्हारा मुख्य काम है। और यदि प्रमाद में पड़कर तुम काम चिंतन करते रहे, काम से स्मरण में डूबे रहे या प्रपंच वार्ता करते रहे, ध्यान नहीं किए, चिंतन नहीं किए, साधना नहीं करते हो, तब हाय मेरे जीवन में ये दुख आ गया, हाय मेरे जीवन में ये दुख आ गया, मुझे ऐसा कष्ट मिल रहा है, ऐसे मुझे पीड़ा मिल रही है, ऐसा कह कह करके तुम्हें केवल विलाप करते रहना पड़ेगा, दुखों में रोते रहना पड़ेगा। अपने साधना का काम छोड़ करके प्रपंच में समय बिताना, शरीर संसार के भोगों का चिंतन करते रहना, ये कैसा है? तथागत बुद्ध के शब्दों में कहें तो, जैसे कोई व्यक्ति लोहे के गर्म गोले को मुख में निगल करके उसे सुख पाना चाहे, कितने भूल कर रहा है वह। इसलिए उन्होंने कहा है, मां लोह गुलम गिली पे मत, मां कंदी दुख मिटंदी डहिय मानो। लोहे के गरम गोले को निगलो मत, हाय मेरे जीवन में ऐसा दुख आ गया, ऐसा कह करके तुम्हें विलाप न करना पड़े। तो यहां अर्थ है, शरीर संसार के भोगों का चिंतन करते रहना, काम चिंतन में मन का डूबे रहना, प्रमाद में समय व्यतीत करना, ये लोहे के गरम गोले को जानबूझ करके निगलना है। इसलिए कहते हैं कि झाय ध्यान करो, साधना करो, ये तुम्हारा मुख्य काम है। समय न खोवे आपने मुख्य काज को ढील। अपना मुख्य काम ध्यान साधना सेवा भक्ति स्वाध्याय है, इसको ढीला मत करो, इससे गाफिल मत हो। और जो समय मिला हुआ है आज अनमोल समय, इसको खो मत। निज पर मन के फंद बहु, अपने मन के और संगी साथियों के मन के बहुत सारे फंदे हैं, उनमें पड़ करके उनमें फंस कर पचो मत, पीड़ित मत हो। अपना ही मन कैसा कैसा फंदा तैयार करता रहता है, कैसे कैसे जाल तैयार करता रहता है, कितनी कितनी उलझने अपने मन में आती रहती है, हर किसी को इसका अनुभव है। और जिन लोगों के साथ रह करके जीवन का व्यवहार होता है, जीवन का गुजर होता है, उन लोगों के मन के कैसे कैसे प्रपंच हैं, कैसे कैसे फंदे और उलझन हैं, उनकी तरफ से कब कैसे कैसे उलझन तैयार हो जाएगा, उनके मन में कैसी कैसी क्या क्या कामनाएं हैं, क्या पता। और उनको खुश करने के लिए उनके मन की कामनाओं को पूरा करने के चक्कर में पड़ गए, तब दुखों से मुक्त होने का अवसर कहां है। तो अपने मन के बहुत सारे फंदे हैं और संगी साथियों के मन के भी बहुत सारे फंदे हैं, तमाम कामनाएं तमाम जाल इनमें पड़ो मत, नहीं तो केवल उलझन केवल दुख पीड़ा सहन करना होगा। अपने और दूसरे के मन के जालों से ऊपर उठकर अपना जो वैराग्य साधना का मार्ग है उसी में ही आगे बढ़ता रहे, यही मुख्य काम है। अशनशयन को हलुक करी करे शुद्ध वैराग्य,
अंतिम जाने काज यह तेहिसम को बड़ भाग। सदगुरु श्री विताल साहब कहते हैं जो साधक दुखों की निवृत्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, साधना मार्ग में लगना, साधना मार्ग में उन्नति करना चाहता है, वह अपने भोजन और शयन दोनों को हल्का करे, कम करे, और करे शुद्ध वैराग्य और शुद्ध वैराग्य करे। ये समझ ले कि जो वैराग्य का काम है, साधना का काम, ये हमारा अंतिम काम है। इस काम को पूरा कर ले तो फिर अन्य कोई काम और करना बाकी नहीं रहेगा, फिर तो सब जंजाल से छुटकारा हो जाएगा। जिसकी बुद्धि में यह बात दृढ़तापूर्वक जम गई है, उनके समान सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। असन शयन को हलुक करी, भोजन और शयन सोना दोनों को हल्का कर रखे, संक्षिप्त रखे। भोजन हल्का होगा तो सोना भी हल्का होगा, कम होगा। और भोजन जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा और ठूस ठूस करके खाएगा, वह निश्चित ही ज्यादा सोएगा। अधिक खाने वाला अधिक सोएगा ही सोएगा, और जो अधिक बराबर अधिक खाता है और रोज अधिक सोता है, वह साधना वैराग्य स्वाध्याय का काम कब कर पाएगा, उसे ठीक से बनेगा ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह भोजन और शयन दोनों को हल्का करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहा गया है कि भोजन और शयन को हल्का करे तो ये खीर रोटी खाना शुरू कर दे और रात भर में 2-3 घंटा सोना शुरू कर दे, तो फिर और उल्टा हो जाएगा। जैसे ज्यादा भोजन करना और ज्यादा सोना गलत है, वैसे ही बहुत कम खाना और बहुत कम सोना भी गलत है। संतुलित होना चाहिए। यहां भोजन को हल्का करने का अर्थ क्या है? उतना ही खाना जिससे पेट और मस्तिष्क का भारी न लगे, थोड़े पेट में जगह बनी रहे, और इसके लिए हर किसी को अपना परीक्षक स्वयं बनना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि इतना जो खाएगा वही कम खाना है, इससे जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा खाना है। कोई 2 रोटी खाता है तो वो कम खाता है, और कोई 6 रोटी खाता है वह ज्यादा खाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई 6 रोटी तो खाता है लेकिन उसके लिए वो 6 रोटी कम है, और कोई 2 रोटी खा रहा है और खट्टी डकार आ रही है तो समझ लो 2 रोटी ज्यादा है उसके लिए। किसी के लिए 1 रोटी ज्यादा हो सकती है। कभी ऐसा समय हुआ भूख नहीं लगी है तो 1 रोटी खाओगे तो खट्टी डकार आएगी। तो अपना अपना स्वयं देखना पड़ेगा। अब जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, उसके लिए तो 1 थाली भात भर कर रख देगो तो मसक जाएगा और लगेगी कि कम खाए अभी। और किसी को 1 छटाक चावल का भात दे दोगे तो सोचेगा कि उसके लिए तो उसको खाना भारी हो जाएगा। तो एक मात्रण धारणी जा सकती कि इतना जो खाएगा वो कम खाएगा। सबकी खुराक अलग अलग, सबकी आवश्यकता अलग अलग, अपने लिए देखना पड़ेगा कि कितना मेरे लिए ज्यादा होता है। अपने आवश्यकता से ज्यादा ना खाए, जितने पेट की मांग है उससे ज्यादा ना खाए। भोजन करने के बाद उठे तो पेट भारी न लगे, मस्तिष्क भारी न लगे, आलस्य न लगे। तो इस प्रकार से भोजन को संतुलित करें। और शयन, जो खूब सोता है, रात में
सात घंटा आठ घंटा सो रहा है, दिन में भी दो घंटा तीन घंटा चार घंटा सो रहा है, तब का स्वाध्याय साधना बैराग का काम कब करेगा? 24 घंटे में से ही 24 घंटे में से 10 घंटा यदि वो सोने में लगा दिया और चार पांच घंटा टट्टी पेशाब नहाना धोना खाना पीना इसमें लग गया और बच गए 6-7 घंटा शरीर का निर्वाह, तो फिर लल्लू पास समय कहां है साधना के लिए? खत्म हो गया सब। तो शयन भी हल्का करें, उतना सोए जितना शरीर की नींद पूरी हो जाए, लेकिन कम सोने का मतलब ये नहीं कि रात में केवल 3-4 घंटा सोए और दिन में कभी आराम किए कभी नहीं तो 15-20 मिनट आराम कर लिए, तो इससे शरीर रोगी हो जाएगा, इससे भी काम नहीं बनेगा। 24 घंटा में से कम 6-7 घंटा सोना चाहिए, 6-7 घंटा सोना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अभ्यास बना लेते हैं तो 4 घंटा ही सोते हैं, उनका काम चल जाता है, अनेक ऐसे लोग हुए, तो वो उसका उदाहरण नहीं लिया जा सकता। समान रूप से ये नियम है कि 6-7 घंटा सोना चाहिए, 6-7 घंटा दिन में, रात में 6 घंटा सो लिए, दिन में घंटा आराम कर लिए, ये पर्याप्त है। अब रात सोने के लिए मिली है इसलिए रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सो रहे हैं, रात तो सोने के लिए है। अब भोजन करने के बाद दिन में आराम करना चाहिए तो 3 घंटा आराम कर रहे हैं, तो 11 घंटा तो निकल गया, तब अध्ययन कब करेगा फिर? ये अति कहीं की हुए ये ज्यादा है, मध्यम मार्ग सदगुरु कबीर का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। तो असन शयन को हलुक, असन और शयन को हलुक करे सदगुरु श्री विशाल साहेब, जिनकी ये पंक्तियां हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं, वे प्रारंभिक काल में शुरुआत में जब मैं कहना चाहिए जब उनकी उम्र 25-30 साल के आसपास ऐसे रही होगी, या उसे 20-25 साल की उम्र में वे करते क्या थे, कहीं जाते थे किसी गांव में रहते थे, वहां किसी भगत के यहां गए, भोजन बना लिए और खा लिए और खाकर निकल जाते थे बाग में या एकांत में। अब जब निकलते थे तब क्या करते थे, घर वाले से कभी चना कभी मूंग कभी गेहूं थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी मांग लेते थे और दोपहर में तो एक भोजन कर लिए, अब चले गए बाहर, दिन भर वहीं रहते थे रात में भी वहीं रहते थे, और जो ले गए होते थे चना मूंग या गेहूं उसको रात में भिंगा देते थे ताकि दूसरे दिन गांव में आकर फिर भोजन न बनाना पड़े। गांव में जाएंगे भोजन बनाएंगे तो फिर साधना के लिए बैराग के लिए समय नहीं बचेगा, वही चना मूंग ले गए होते थे उसको भिंगा देते थे और जब भूख लगती थी तब उसी को खा लेते थे, ऐसे 2-3 दिन बाहर ही रहा करते थे, 2-3 दिन बाद तब फिर गांव में आते थे फिर वो अपना भोजन बना लेते थे। कभी कभी कुछ नहीं ले गए चना मूंग या गेहूं, कुछ नहीं ले गए, वैसे चना और मूंग तो भिंगा करके खाने में सरलता है लेकिन गेहूं भिंगा करके दांत में पीसना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कभी ऐसा भी कर लेते थे। और कभी कुछ नहीं ले गए, अब बाहर ही रुके हुए हैं, सोते हैं आज गांव नहीं जाऊंगा, भूख लगी तब ऐसे किसी पेड़ के कोमल कोमल पत्ते को तोड़ करके चबा करके पानी पी लेते थे, इस ढंग से रहते थे वो। तो हम उनकी नकल नहीं कर रहे कि हाँ वो भी पत्ते चबा के पीते हम भी उसे करने लग जाए, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उतना ही नकल करना चाहिए दूसरे का जितना हमारे शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो,
यहां तो मुख्य बात है, यदि बैराग की साधना करनी है, अपने आप को साधना में परिपक्व करना है, तो भोजन और शयन को संतुलित करें। हल्का करने का मतलब संतुलित कर रखें, करें शुद्ध वैराग और शुद्ध वैराग्य करें। अंतिम जाने काज यह, ये जो वैराग का काम है, इस काम को समझे कि यह मेरा अंतिम काम है। अनादिकाल से लेकर आज तक सब काम हम करते आ रहे हैं, सब प्रकार का काम, क्या कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जो हमने अब तक न किया हो। लेकिन उन सब करने का परिणाम क्या हुआ, संसार सागर में डूबते उतराते रहना, आवागमन चक्र में पड़े रहना, भवबंधनों में पड़े रहना। आज हम शरीर में हैं तो ये पहचान है कि अनादिकाल से आज तक हम भटकते भटकते आ रहे हैं। जो कुछ हमने किया उसका परिणाम आया भटकाव, दुख और बंधन। ऐसा काम नहीं किया आज तक कभी जिस काम को करने से सब करना खत्म हो जाए, सब भटकना, दुख और बंधन मिट जाए। तो जिसको करने से सब काम करने समाप्त हो जाए, वो कौन काम है, वह है वैराग। ये वैराग से ही सारा दुख और सारी पीड़ा समाप्त होंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आसक्ति की फांसी वैराग से ही कटेगी। तो अंतिम जाने का आज ये वैराग साधना का जो काम है, ये अंतिम काम, सर्वोच्च काम है। ये काम पूरा हो गया तो मानो सब काम पूरा हो गया, अब फिर कुछ और करना बचेगा नहीं। जिसकी बुद्धि में ये बात जच गई कि सब कुछ किया लेकिन करना बंद नहीं हुआ, सब कुछ करने के बाद भी दुख दूर नहीं हुआ, अब मुझे अपने आप को वैराग साधना में ही समर्पित कर देना है, ये वैराग ही मेरा मुख्य काम है। जिसकी समझ में यह बात आ गई, तेहिसम को बड़ भाग, उसके समान भाग्यशाली और कौन होगा, उसका पूरा भाग्योदय हो गया, क्योंकि अब वैराग की साधना में लग गया तो सब भाग दौड़ समाप्त, सब दुख पीड़ा समाप्त, अब कुछ करना ही नहीं है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग, सदगुरु श्री पुरंदर ने कहा है। जिसके मन में दृढ़ निर्वेद हो गया, पूरी ग्लानि, पूरा वैराग्य उदित तो हो गया, सदगुरु श्री पुरंदर कहते हैं वह मुमुक्ष परम भाग्यशाली है, क्योंकि इस वैराग के द्वारा ही अपने वास्तविक धाम में, अपने वास्तविक मंजिल में, कहना चाहिए अपने वास्तविक घर में वह पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। और जिसे जो अपने अपने घर में पहुंच गया, पूर्ण विश्राम मिल गया, अब उसे कहां भटकना है, कहां आना है जाना है, हमारी अंतिम मंजिल क्या है, स्वरूप स्थिति, इसके अलावा कोई और मंजिल नहीं है। हम पढ़ते भी इन्हें दिखते हैं, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, तो कौन मंजिल है, वो स्वरूप स्थिति है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वैराग्य द्वारा। तो जिसके मन में दृढ़ वैराग उत्पन्न हो गया और जिन्होंने समझ लिया कि वैराग ही मेरा मुख्य काम है, इसी द्वारा मेरे दुख की निवृत्ति हो सकती है, वह परम भाग्यशाली है, उसके समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मन को प्रपंच से समेट कर
मन के प्रमाद को दूर करके जो हमारा मुख्य काम है वैराग्य साधना, उसी पर ही जोर दें और अपना अधिक समय उसी के लिए लगाएं, ताकि हम भी अपने आप को दुखों से बचा सकें।